गोरखपुर में बाढ़ का खतरा टला तो शुरू हो गई डायरिया की समस्या। दरअसल बाढ़ का पानी घटने के साथ उनवल गांव में पानी और मछली खाने के कारण डायरिया की बीमारी फैल गई। इस बीमारी के अब तक करीब 829 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं डॉक्टर ने बीमारी की वजह गंदे पानी को बताया है। ऐसे में गांव के लोग करें भी तो क्या करें, सरकारी सुविधाएं ना मिलने के कारण लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ जो है अभी तक लगभग 600 मरीज जो है लूज मोशन के हैं, जिसको डायरिया तुरंत नहीं किया जा सकता है डायग्नोज, ठीक है। तो लूज मोशन और वोमिटिंग के लगभग 600 मरीज आए हैं पिछले 9 तारीख से, और जिसमें जो है 87 मरीजों को यहाँ एडमिट करके जो है इलाज किया गया है। उसमें से 37 को हमें उसमें से 29 को हमें रिफ़र कर देना पड़ा हायर सेंटर पर। यहाँ से बात करने पे यही पता चला, अधिकतर लोग जो तालाब की मछली है, जो नदी की मछली है, उसको खाए और उन्हीं लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हुई है। लगभग भैया ये 10-15 दिन से है ये गंदगी और ये बाढ़ वाला यही दूषित जल पानी हम लोग पी रहे हैं भैया हैं, और कोई पानी की व्यवस्था बार बार शिकायत करने पे जल निगम के द्वारा भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है हैं। हम लोग शिकायत करते हैं तो कहा जाता है ठीक हो जाएगा। अब देख लीजिए आपके सामने ये पानी है हैं, इससे भयानक बीमारियाँ फैल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हैंडपंप से निकला पानी कितना दूषित और सेहत के लिए हानिकारक है। अगर सरकार गांव में पानी की व्यवस्था कर देती है तो शायद डायरिया की बीमारी से आधे से ज्यादा लोगों को राहत मिल जाएगी। न्यूज़ ब्यूरो।